का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, और पिछली क्लास में हमने बात की थी इवान पावलोव के बारे में, जिन्होंने जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने पुनर्बलन और अनुकरण का महत्व बताया था। और आपने जो पूरी थ्योरी है वो आपने सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के बारे में, जिनकी भी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है बताई विकास के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगी, आप जो है फटाफट से इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो भी बच्चे जिनके पास बुक्स भी नहीं होती है, कई बार साधन नहीं होते उनके पास और इतनी महंगी महंगी क्लास को खरीदने का उनके पास नहीं होता है इतना रुपया, तो फिर आप उनके पास अगर ये क्लास शेयर करेंगे तो वो इजीली अपनी क्लास जो है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बढ़ा सकेंगे आगे और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उनके पास मतलब नेट का तो हमारे पास सभी के पास इतना तो होता ही कि हम जो है नेट चला सकें, नेट चलाते ही हैं। तो यूट्यूब पे आपको होम साइंस की सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बिल्कुल भी इसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है और बहुत ही एफर्ट लगाए जा रहे हैं क्लास में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लास देखते ही आपको अच्छे से लर्न हो जाए और फिर आप उसको नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे से ये जो है दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने सोशल लर्निंग का सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या किया था, बोबो डॉल जो थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम इन्होंने बोबो डॉल रखा था। और इसी तरह से सोशल लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है इवान ये जो है एरिक ने भी दिया था, एरिक एरिक्सन ने भी यही सिद्धांत दिया था और उन्होंने भी जो है सोशल लर्निंग पर जो है बात की थी। और इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, एरिक एरिक्सन जो है इन्होंने कितने चरण बताए थे, इन्होंने 8 चरण बताए थे। साथ ही एरिक एरिक्सन जो है इन्होंने मन प्लस समाज इन दोनों की बात की थी अपने एक्सपेरिमेंट में। और अगर आपने ये एरिक एरिक्सन वाली नहीं देखी तो ज़रूर देख ली, क्योंकि एरिक एरिक्सन है, फ्राइड है, ये 2-3 वैज्ञानिक जो है पूछे जाते हैं नेट में, तो स्पेशली पूछे जाते हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके चरण भी पूछ लिए जाते हैं कि पहला चरण कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सोशल लर्निंग, जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था वो सोशल लर्निंग पर जो है बेस्ड था। तो जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था, इसके कुछ और भी नाम हैं जैसे कि अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। आपको ये नेम बताने से पहले इनके जो डॉल का एक्सपेरिमेंट है पहले आप उसको समझ लीजिए, तो आपको ये नेम जो है अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, उनके खुद के घर के बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनको उन्होंने एक रूम में बंद कर दिया और उनको कोई जो है झगड़ालू पिक्चर दिखाई। और ये पिक्चर उन्होंने एक बार नहीं, कई बार रिपीट करते गए बच्चों को दिखाई। और उसके बाद में उन्होंने एक बच्चों को डॉल दे दी, तो बच्चों ने क्या किया, पहले पिक्चर को देखा, मतलब क्या किया उन्होंने, अनुकरण किस पे किया उन्होंने, बोबो डॉल पर उन्होंने अनुकरण किया। और जिस तरह से पिक्चर में दिखाया जा रहा था झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए, वही चीज़ उन्होंने डॉल के साथ भी की। तो इससे क्या पता चला कि बच्चों को जिस तरह का वातावरण दिया जाता है, जिस तरह का जो चीज़ उनको दी जाती है, जिस तरह की परिस्थिति दी जाती है या जो माहौल हम बच्चों को देते हैं, वही चीज़ बच्चे सीखते हैं और उसी का अनुकरण आगे करते हैं। तो इससे जो है जो ये थे बंडूरा थे, इन्होंने ये हल निकाला, ये उन्होंने कहा कि जो बच्चे के विकास में अनुकरण और पुनर्बलन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये चीज़ जो है हमने कल भी बात की थी अनुकरण और पुनर्बलन के बारे में, और ये किसने बताई थी, इवान पावलोव ने। इस बात पे इवान पावलोव जो है इन्होंने भी
इस बात पर जोर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिद्धांत में क्या पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इनके अलग अलग नाम, किसके नाम, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो थी, जो थ्योरी थी, उसके नाम क्या क्या थे अलग अलग। पहला था पहला है अवलोकन सिद्धांत। देखिए बच्चों ने क्या किया, पिक्चर का अवलोकन किया, देखा पिक्चर को, तभी तो उन्होंने समझा कि इस तरह से हमको उसका अनुकरण करना है। उसके बाद में अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसको क्यों कहा गया है, जैसे मान लीजिए बच्चों को पिक्चर देखने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, मोबाइल है, टीवी है, ये चीज़ें वो देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए उनको उस चीज़ को रिप्लेस करना ही ये चीज़ कहलाएगी। अप्रत्यक्षात्मकता का मतलब बच्चों को गलत चीजों से बचाना, जैसे मोबाइल, टीवी। गलत चीज से मेरा मतलब है मोबाइल है, टीवी है, बच्चे इजीली उसका एक्सेस कर सकते हैं और वो भी चीजें देख सकते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते कि बच्चे देखें। तो बच्चों को गलत चीज़ों से बचाने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब रहेगा और ये कैसे रहेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। अब प्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत दूसरा नाम है इसका, और इसका तीसरा नाम है प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत या प्रत्यक्षात्मक या प्रोजेक्टेड का मतलब होता है फेंकना, जैसे कि हम प्रोजेक्टर देखते हैं, प्रोजेक्टर पर प्रकाश आता है तभी हमें पिक्चर दिखाई देती है, उसी तरह से इसका मतलब हुआ फेंकना। समाज के द्वारा जो भी चीजें फेंकी जा रही है बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। इसका मतलब है समाज के द्वारा जो चीज फेंकी जा रही है बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है, मतलब जो चीज समाज के द्वारा दी जा रही है बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बच्चों को गलत चीजों से बचा के रखना, अच्छी अच्छी बातें बताना, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समाज बच्चा जब बाहर मतलब स्कूल जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको कई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, कई ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही है जो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सीखे। गलत व्यवहार है, किसी से लड़ना है, किसी को गलत बोलना है, ये सारी चीज़ें बच्चा ना सीखे। तो समाज जो चीज़ उसके पास फेंक रहा है बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है। अगर समाज के द्वारा अच्छी चीज़ें फेंकी जा रही है तो बच्चा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा, अगर समाज के द्वारा खराब चीज़ें जो उसके व्यक्तित्व को खराब करेगी, बच्चे को भी खराब करेगी, उसका व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। तो अगर वो चीज़ें फेंकी जा रही है तो बच्चा उसको ले रहा है, अनुकरण कर रहा है उसका, उसको ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके अनुसार वो है उसका अनुकरण कर रहा है। तो बच्चे का जो व्यवहार है, बंडूरा के इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम बच्चे को जैसा सिचुएशन, जैसा एटमॉस्फेयर, जो चीज़ें हम बच्चे को देते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। फॉर एग्जांपल अगर घर पर बच्चे के लिए एजुकेशनल पूरा का पूरा माहौल जो है बहुत अच्छा है, सब बड़ों से अच्छे से आदर के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाई जा रही है और अच्छे अच्छे गेम खिलाए जा रहे हैं, उनको पढ़ाई के महत्व को बताया जा रहा है, तो बच्चे का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होता है। और उसके विपरीत अगर बच्चे के घर का माहौल लड़ाई दंगे का है, किसी को मार दिया, किसी चोरी करके ले आए, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखता है और आगे जाके वो उसी चीज़ का अनुकरण करता है। इसीलिए यही रीज़न होता है कि बैकग्राउंड का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है और देखा जाता है कि बच्चा बैकग्राउंड से कैसा है,
कैसा उसका बैकग्राउंड है। विवाह करते समय भी ये चीजें देखी जाती है कि भाई लड़का लड़की का बैकग्राउंड कैसा है आपस में उनका, मतलब ताकि वो जो व्यक्तित्व का प्रभाव है आगे दूसरी पीढ़ियों पर ना पड़े। ये चीज जो है बंडोरा ने बताई, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। और आगे जो हम बात करते हैं सीखने के चरण के बारे में, तो सीखने के चरण पहला है मॉडल का प्रदर्शन। जैसा कि बॉबो डॉल उन्होंने भी मॉडल, मतलब वो पिक्चर दिखाई थी उन्होंने बंडोरा ने, उसके बाद में बच्चों ने क्या किया उस पिक्चर का मूल्यांकन किया, उसके बाद में उसी की तरह अनुकरण किया। जब बोबो डॉल उनको दी गई तो जो जिस तरह से पिक्चर में मार काट की जा रही थी, फेंका जा रहा था, किसी को उठाया जा रहा, उसी तरह से वो बोबो डॉल को भी फेंक रहे थे, उसको काट रहे थे, उसकी उसको फाड़ रहे थे डॉल को, तो वो चीजें। और उसके बाद में अनुकरण का मूल्यांकन उन्होंने क्या देखा, लास्ट में हमने क्या देखा कि बोबो डॉल की जो हमने पहले जो डॉल दी थी वो बहुत अच्छे से थी, एकदम अच्छी उसकी सिचुएशन थी, उसकी हालत भी सही थी, परंतु बाद में देखा तो वो फटी हुई थी बहुत ज्यादा, कहीं से कटी फटी इस तरह से, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था वो जो पिक्चर में देखा था वही चीज जो है वो डॉल के साथ की अनुकरण किया, तो वो चीज यहाँ पर आ गई। और इसके बाद में पुनर्बलन या मोटिवेशन, अगर बच्चों को कोई अच्छी चीज दिखाई, मान लीजिए रामायण है, महाभारत है, इस तरह की रामायण दिखाई जा रही है, राम के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, तो लास्ट में अगर हम बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आप इस तरह से व्यवहार कीजिए, देखिए राम जी जो थे वो झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, हमेशा सबके साथ अच्छा करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, अगर हम मोटिवेट करते हैं बच्चे को तो बच्चे के व्यक्तित्व में उतना ही परिवर्तन आता है और बच्चा जो है इजीली उन चीजों को सीख लेता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं सीखने की प्रक्रिया के बारे में, और ये चीज़ ध्यान रखिए नेट में ये अरेंज करने के लिए आता है, तो आप इसको लर्न जरूर कर लें। जैसे मॉडल प्रदर्शन है, मॉडल मूल्यांकन है, मॉडल अनुकरण है, अनुकरण का मूल्यांकन है, पुनर्बलन है। तो इसकी कुछ अगर ट्रिक आपको समझ में आए तो आप एक बार ट्रिक से जरूर लर्न कर लें। जैसे कि हमने एरिक एरिक्सन में जो 8 स्तर थे उसको हमने ऐसे याद किया था, RPSCTC, इस तरह से लर्न किया था, तो इस तरह से लर्न करना आसान, क्योंकि अरेंज वाली चीजें हैं इधर उधर हो जाती है माइंड से, तो अगर आप इसको ट्रिक से लर्न करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। जैसे कि बन रही है तो कुछ देख लेते हैं, प्र मु आप खुद बना के देखिए एक बार, अगर बनती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मुझसे ट्रिक बनी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसकी जो है ट्रिक मैंने बनाई है आराम, आराम में AARAM होता है, इसमें हमें याद रखना है ARRM, ये आपकी ट्रिक है, इससे आपको ये लर्न रहेगा, क्योंकि ये हमको सीक्वेंस में लर्न करना है, तो ट्रिक बना के लर्न करना बहुत जरूरी है। तो पहला है अटेंशन, अटेंशन ए से हो गया अटेंशन, दूसरा है आपका आर से क्या हो जाएगा, रिटेंशन यानी धारण करना, रिटेंशन, दूसरे वाले आर से क्या हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन, और तीसरा आपका हो जाएगा मोटिवेशन। इस तरह से आप ट्रिक से लर्न करेंगे आपको इजीली लर्न हो जाएगा ARRM, ए से क्या हो जाएगा अटेंशन, आर से हो जाएगा रिटेंशन, दूसरे वाले आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, और हो जाएगा एम से क्या होगा मोटिवेशन। तो आप इस एक एक करके इसको समझ लेते हैं। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण,
दूसरा है रिटेंशन यानी धारण करना, तीसरा है आपका उत्पादन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, और लास्ट है आपका मोटिवेशन यानी पुनर्बलन। सबसे पहला अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान आकर्षण। आपकी ही क्लास में एग्जांपल लेके देखें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो है अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को इजीली रिटेन कर पाएंगे, उसको इजीली धारण कर पाएंगे। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं तो आप उस चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। अगर आपने उन चीज़ों को ग्रहण किया है तो आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, यानी आप जो है एनालिसिस करें, आपने आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, उसको लर्न किया, उसके बाद में आपने उन क्वेश्चंस को करके देखा, तो आपकी क्या हुआ, उत्पादन क्षमता, एक तरह से क्या हुआ, आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, आप क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे। आप इजीली क्वेश्चंस कर पा रहे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अगर आपने इजीली, आपका ध्यान आकर्षण था, आपने धारण भी कर लिया, आप इजीली पेपर को कर पाए और वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में भी आप पेपर को कर पाए, और मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब लग गई तो आपको क्या मिला, एक मोटिवेशन मिला, जॉब लगते ही आपको एक मोटिवेशन मिला। अब जिस सीट पर है अभी आप, मान लीजिए आप पीजीटी पे हैं, तो आप आगे कोशिश करेंगे कि इससे आगे पीजीटी मैं ले लूं, इसके बाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट, सॉरी, आपको जॉब मिल गई, आप पीजीटी में सेलेक्ट हो गए, तो आगे आप क्या करेंगे, पीजीटी आगे आप ट्राई करेंगे कि पीजीटी भी आप ले लें इजीली। तो इस तरह से जो है खांसी, इस तरह से आपको क्या मिला, मोटिवेशन मिला। तो आपने क्या सीखा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो आज हमने अल्बर्ट बंडूरा जो है इनकी थ्योरी के बारे में जाना, जाना ही नहीं याद भी हो गया है हमें सब चीज़ें, हमने जान लिया इन्होंने क्या दिया, सोशल लर्निंग का जो है थ्योरी दी थी, और इसी तरह से एरिक एरिक्सन ने भी एक थ्योरी दी थी जो कि मन और समाज पर बेस थी। अल्बर्ट बंडूरा जो हैं इन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट दिया था, इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसके कई सारे नाम थे, जैसे कि अवलोकन है, अप्रत्यक्षात्मक है और प्रेक्षात्मक है, निर्देशन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है। अवलोकन में हमने देखा कि बच्चों ने अवलोकन किया पिक्चर का, उसके बाद में बच्चों ने क्या बच्चे अप्रत्यक्षात्मक का मतलब हम अगर कोई गलत चीज़ बच्चा सीख रहा है तो उसको सही जगह उन गलत चीज़ों से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेक्षात्मक, प्रेक्षात्मक का यानी प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है फेंकना, अगर बच्चों की तरफ अच्छी चीज़ें फेंकी जा रही है, अच्छी चीज़ें उनको बताई जा रही है, तो अच्छी चीज़ों का वो अनुकरण कर, उनको ग्रहण करेंगे फिर उसका अनुकरण करेंगे, गलत चीज़ें उनकी तरफ दी जा रही तो वो उसी तरह से उस चीज़ों को सीखेंगे और उनका व्यक्तित्व भी उसी तरह का बन जाएगा। निर्देशन का सिद्धांत, अगर बच्चों का हम निर्देशन अच्छे से करें, मतलब बच्चे को हमने कुछ सिखाया तो क्या हुआ, वो अगर हमने उसका सही से निर्देशन किया, उनको सही से बताया कि बेटा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो वो इजीली उस चीज़ को सीख लेता है। लेकिन हमने उसका निर्देशन ही नहीं किया, अगर वो गलत चीज़ करके आ गया तो हम उसको ये बता ही नहीं रहे कि आप बेटा आपने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखें तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। इसके बाद में अनुकरण का सिद्धांत, बच्चा जिस तरह से आप उसको जिस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, जो जो तरह की चीज़ें आप उसको सिखाएंगे, उन्हीं चीज़ों का वो अनुकरण भी करता है। इसके बाद में हमने देख लिया आराम, एक ट्रिक हमने बनाई, इसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, और साथ ही बंडूरा जो है इनके इन्होंने अनुकरण और पुनर्बलन पर जोर दिया था, इसी तरह जो इवान पावलोव है उन्होंने भी इन दोनों बातों पे बल दिया था। इसके बाद में एक चीज और हमने देखी थी, मॉडल वाला देखा था कि मॉडल में क्या हुआ था, पहले मॉडल शो किया गया बच्चे के, इसके चरण क्या थे,
पहले बच्चे के सामने मॉडल का प्रदर्शन किया गया, फिर मॉडल का मूल्यांकन किया गया बच्चों के द्वारा, फिर उन्होंने उसका अनुकरण उसी तरह से किया उसके ऊपर, और फिर अनुकरण का मूल्यांकन किया गया, मतलब उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी थी उन चीज़ों को बार बार वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और उसके बाद में पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब मोटिवेशन। तो आज हमने कई सारी चीज़ें देख ली, अल्बर्ट बंडोरा के बारे में इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसके नोट्स बनाइए अच्छे से और इसे रिवाइज कीजिए, और आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की वीडियो, थैंक यू सो मच।